सो बेसिकली गाइज हम लोग जो है वो 4-2-3-1 की फॉर्मेशन जाने वाले हैं और मेरे ख्याल से यही फॉर्मेशन जो है बेस्ट रहने वाला है इंडियन लाइनअप के लिए और खासकर वो यूएई और जो है ओमान के खिलाफ ये फॉर्मेशन ही बेस्ट रहेगा अटैकिंग में और ज़्यादा अगर गए एग्रेसिवली तो जो है डिफेंस में थोड़ी बहुत जो है लैप्स देखने को मिल सकता है इसीलिए हम लोग जो है 4-2-3-1 वाले फॉर्मेशन में जा रहे हैं और प्लेयर्स कौन कौन से हैं जल्दी से देख लेते हैं। आज हमारा जो फ्रेंडली का स्टार्टिंग 11 होने वाला है वो कुछ इस तरीके से होने वाला है। सबसे पहले एज एन एक्सपीरियंस हम लोग जो रखने वाले हैं वो गुरप्रीत सिंह संधू को रखने वाले हैं एज अ गोलकीपर और अगला जो हमारा हम सभी का जो फेवरेट डिफेंडर झिंगन एज यूजुअल अपने जो है सेंटर बैक के पोजीशन में रहेंगे साथ निभाएंगे उनका लेकिन सना चिंगन सना हैदराबाद एफसी के प्लेयर जो कि कमाल का सीजन गया। लास्ट में वो रेड कार्ड अगर नहीं उन्होंने लिया रहता तो शायद एफसी को और हैदराबाद के बीच में जो रिजल्ट देखने को मिला वो शायद कुछ और भी हो सकता था। तो सना उनका साथ देंगे साथ ही साथ लेफ्ट बैक में हैदराबाद के ही प्लेयर आकाश मिश्रा उनका साथ देंगे जो कि 100% डेडिकेटेड और 100% परफेक्ट पोजीशन के प्लेयर लगते हैं मेरे को उस जगह के और उस प्लेयर मेरे को तो ऐसा लगता है यार आकाश को कहीं भी खिला लो वो बंदा फिट हो जाएगा जो कैपेबिलिटी वो रखता है और इस सीज़न हैदराबाद एफसी में जो प्लेइंग उसने दिखाया है अपना जो कैपेबिलिटी दिखाया है यार कमाल का प्लेयर है। और हम लेफ्ट बैक के पोजीशन में आकाश मिश्रा को सिलेक्ट करते हैं और राइट बैक में यहाँ पे जो एक मैं बोलना चाहूँगा आशुतोष को हमने रखा है गाइज क्योंकि यहाँ पे जो है एक जरूर हम लोग को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा था सेरिटन को रखें या फिर आशुतोष को रखें क्योंकि बैक फोर लाइन जब हम लोग खिला रहे हैं और एक बढ़िया सा जो है एक हम लोग को लाइनअप लाना है अटैकिंग लाइनअप भी लाना है साथ ही साथ एक वेल एक्सपीरियंस्ड भी लाना है और ISL के परफॉर्मेंस देख के बनाई है और आशुतोष को हमने रखा है सेरिटन से पहले क्योंकि आशुतोष ने 1 गोल और 2 असिस्ट जो है वो डाला हुआ है और जिसके वजह से यहाँ पे आशुतोष को हम लोग प्रायोरिटी देंगे यहाँ पे सेरिटन से पहले। उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो है बोर्जेस आ जाते हैं एज यूजुअल जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है यहाँ पे इंडियन मिडफील्डर में और खासकर CDM पोजीशन में बहुत बड़े कड़ी है और उनका साथ निभाएंगे हमारे यंग जो प्लेयर हैं अपुया और क्रिएटिव प्ले करेंगे और बोर्जेस और अपुया दोनों जो है अपना पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं लाइक कभी फॉरवर्ड में अपुया जाएंगे तो कभी जो है बोर्जेस फॉरवर्ड में जाएंगे बैक में कभी अपुया आएंगे तो बैक में कभी बोर्जेस जाएंगे इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन गेम प्ले देखना बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है हम लोग को अगर ये लाइनअप उतरती है तो। और उसके साथ ही साथ फॉरवर्ड में रेनियर प्रो गाइस रेनियर को हम लोग रखेंगे क्योंकि मुंबई सिटी एफसी में बोर्जेस या फिर बूमोज इन दोनों जब नहीं रहे हैं तो रेनियर को वो दारोमदार दिया गया और रेनियर ने कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया है मुंबई सिटी एफसी के कलर्स में इस सीज़न और यहाँ पे जो है अटैकिंग लाइन में अटैकिंग मिडफील्डर एज अ रेनियर को मैं देखता हूँ और वो ज़रूर कहीं ना कहीं जो है अपने जो फॉरवर्ड्स हैं उनका हेल्प करेंगे गोल मारने में गोल दागने में इंपॉर्टेंट पासेस निकालेंगे और देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से और हेल्प करेंगे अपने विंगर्स को अपने जो लेफ्ट राइट साइड के जो विंगर है हमारे वो मनवीर रहेंगे कमाल का परफॉर्मेंस ATK मोहन बगान FC के लिए गोल्स दागे कई असिस्ट दागे कई चांसेस क्रिएट करते हैं बहुत सारे और जो है बहुत बढ़िया जो है गेम उनका रहा है। तो मनवीर सिंह रहने वाले हैं हमारे स्टार्टिंग 11 में और साथ ही साथ लेफ्ट में हम लोग ने हाली चरण का चूज़ किया है बिकॉज आप देख सकते हैं आकाश मिश्रा खेल रहे हैं वहाँ पे सना खेल रहे हैं वहाँ पे तो हाली चरण एक अच्छी कड़ी रह सकती है क्योंकि ऑलमोस्ट 20 मैचेस जो है खेले गए हैं हाली चरण आकाश और सना के साथ तो वो जो पूरा विंग है मैंने पूरा हैदराबाद को ऑलमोस्ट डेडिकेट कर दिया है क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑलरेडी आप खेल के आ रहे हो फुटबॉल प्रैक्टिस करके आ रहे हो साथ में तो डेफिनेटली आप जो है नेशनल लेवल में भी आप जो एक अच्छा कॉम्बिनेशन हम लोग को देखने को मिल सकता है हाली चरण और आकाश के बीच में। और साथ ही साथ हमारे कैप्टन लीडर और लेजेंड जो है वो रहेंगे हमारे फॉरवर्ड में जो कि एज यूजुअल जो है कमाल के फॉर्म में नज़र आए इस ISL सीज़न में कमाल की एनर्जी कोई भी प्लेयर उनकी एनर्जी मैच मैं बोलूँगा कि नहीं कर पा रहा है और ये बंदा जो है लेजेंड्री टू लेजेंड्री लेवल अचीव कर रहा है। तो एज यूजुअल सुनील छेत्री हमारे
लोन स्ट्राइकर रहेंगे जो कि आगे रहेंगे और उनको सपोर्ट मिलेगा मनवीर हालीचरण और रेनियर की तरफ से, तो बहुत मज़ा आएगा। ये वाली स्टार्टिंग 11 हमारी तरफ से ये वाली स्टार्टिंग 11 रहने वाली है गाइज। और एकमात्र गुरप्रीत को हम लोग ऐसे तो अमरिंदर और गुरप्रीत में बहुत ज़्यादा डाउट हुआ था, फिर भी हमने गुरप्रीत को रखा है यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। फिर भी आप लोग को कैसा लगा ये हमारा स्टार्टिंग 11 ज़रूर कमेंट डाउन करिएगा। और साथ ही साथ आप किस किस प्लेयर्स को जो है इन सभी जो हमारी सिलेक्शन है उसमें चेंज करना चाहेंगे वो भी ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो बार अपने थॉट्स जो भी कुछ हो ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा।